ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं कि एक ऊपर से नीचे गिराना है। रॉयल एनफील्ड तो है भाई, सब लोग कहते हैं ना रंगीन राजकोट। इतनी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे बन चुकी है ना, राजकोट में अगर घूमना है ना तो BRTS से चलो भाई, बारिश गरज रही है बहुत, 7 रास्ता पहुंचे हैं। Hey guys, welcome to another vlog. स्वागत है सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को गोडाउन के बारे में एंड टाइल्स के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। एंड टाइल्स मतलब आप सभी लोगों को पता है कि मोरबी से ज़्यादातर इम्पोर्ट होती है और पूरे भारत में इम्पोर्ट दी जाती है। तो एक बात ऐसी है कि मोरबी में सबसे अच्छी एंड सबसे बेहतर टाइल्स बनाती है, और यहाँ पर मोरबी में इतनी सारी टाइल्स की फैक्ट्री है ना कि आप पता हो, और ज़्यादातर लोग और जो ज़्यादा सिटी में गोडाउंस होते हैं वहाँ पे इंपोर्ट की जाती है, वो मोरबी से इंपोर्ट की जाती है। एंड वैसे ही मैं पीछे एक गोडाउन के बारे में आप सब लोगों को दिखाऊंगा एंड इसके ओनर भी, तो वो आप सब लोग जानते होंगे कि मयूर भाई उसके ओनर से, और थोड़ा सैंपल भी यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके गाइस, एंड मयूर भाई से भी मिलवाऊंगा एंड उसके कॉन्टैक्ट्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले पर भी आ जाएंगे, तो वहाँ से आप उसके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बाथरूम वगैरह एंड किचन की और टाइल्स चाहिए तो आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर, सिर्फ टाइल्स के बारे में कॉल करना, दूसरा नहीं। ओके, तो अभी थोड़ा दिखा देता हूं मैं। तो देखो ये पूरा एक तो गोडाउन है एंड अभी अंदर भी, और ज़्यादातर जो टाइल्स है ना वो लोटस की है, क्योंकि अभी दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरी टाइल्स, देखो लोटस सिरामिक, सिरामिक मतलब टाइल्स। हम यहाँ पे पूरा गार्ड पूरा गोडाउन पहले तो दिखा देता हूँ। 2-3 ब्रांड्स की है यहाँ पे, लोटस की ज़्यादातर देखने को मिलेगी आपको एंड प्राइस। और मोरबी में ज़्यादातर ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं कि एक ऊपर से नीचे गिराना एंड टाइल्स टूटती है कि नहीं, तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके टाइल्स को बनाया गया है, तो बहुत ही मस्त एंड बहुत ही टिकाऊ। तो अगर आप लोग गांव के लोग हैं ना, ज़्यादातर पास से ही टाइल्स ले लेते हैं और उसको महंगी भी पड़ती है, तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर एक बार आप प्राइस पूछ लेना गांव में किसी आसपास, या सीधा यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके प्राइस पूछ लेना, थोड़ा तो आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। और ज़्यादा टाइल्स आपको लेना है तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिल जाएगा, और यहाँ से हो भी जाता है। अगर आप यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर रहते हो तो यहाँ से इंपोर्ट, फ़िलहाल तो बात की जाए तो यहाँ से उत्तराखंड और बाहर महाराष्ट्र सब एक्सपोर्ट होती है ट्रक के द्वारा, एंड मयूर भाई करते हैं तो उसका कॉन्टेक्ट भी नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, अभी थोड़ा सैंपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ टाइल्स का, कि कैसे टाइल्स है किचन की एंड बाकी वगैरह। देखो ये है ना, ये किचन की है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रूट के माध्यम से देखा जाए तो। एंड बाकी अगर बात करनी है तो मयूर भाई के नीचे आपको नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हो कितनी प्राइस है क्या वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर मुझे नहीं पता होता है भाई। मैं तो यहाँ पर आया हूँ, और मैंने एक अगला वीडियो भी डाला था, उसमें मैं फैक्ट्री पर गया था मयूर भाई की, तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी ऐसी टाइल्स है कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा गाइज। अगर मोरबी कभी आओ टाइल्स लेने तो आप सोचते रह जाओगे कि आप खुद पसंद नहीं कर पाओगे, इतनी सारी डिज़ाइन है टाइल्स की, और ऐसी ऐसी टाइल्स है, तो महंगी भी टाइल्स होती है सस्ती भी होती है। एंड गांव के लोग हैं ना वो ज़्यादातर दुकान से ही महंगी टाइल्स ले लेते हैं, तो अगर ये वीडियो देख रहे हो और किसी को टाइल्स लेनी है तो ज़रूर से ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। ओके गाइस, तो ये टाइल्स जो आप देख रहे हैं ये फ्लोर टाइल्स है, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी है, एंड बाकी ये पूरा जो गोडाउन है ये पूरा फ्लोर टाइल्स का है, ये भी है। एंड ऐसी तो बहुत सारी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी। एंड ये दूसरा है, पास में ही गोडाउन है, ये फ्लोर टाइल्स का है, एंड वहाँ पे किचन वगैरह उसका है। देखो ये अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पे रखी हुई है, ये भी मस्त है। बाकी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर किसी को टाइल्स चाहिए, या आपके पड़ोसी कोई भी है उसको भी लेने के लिए जाना है, तो दुकान के भाव और यहाँ के भाव एक बार चेक कर लेना, आपको थोड़ा फर्क तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे जो डिज़ाइन रखी हुई है वो आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये सीढ़ियों की, ये सब सीढ़ियों की है, डबल चार फ्लोर टाइल्स,
ओके, ये सब अलग अलग डिजाइन है ना? कुछ इंडिया में ज्यादातर इम्पोर्ट यहाँ से होता है ना, मोरबी से टाइल्स का? ये अपना गोडाउन राजकोट में। यहाँ पे एक दो बार तो एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है टाइल्स के साथ, गिराते हैं वो टूटती नहीं है, ये भी नहीं टूटती है गाइस। तो वैसे यहाँ पे आसपास में जो दुकान्स हैं आपके गांव में या कहीं पे भी दुकान्स होगी, वहाँ पे ज़्यादातर इम्पोर्ट यहाँ से ही हुआ होगा, मोरबी से ही, और बाहर भी उत्तराखंड और वगैरह जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी ज़्यादातर स्टेट में यहाँ से ही ट्रांसफ़र होता है। तो अगर किसको लेने का मन है तो भैया, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में कि नीचे जाके आप कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। अभी मयूर भाई खिला रहे हैं दाल पकवान, बहुत ही मस्त, राजकोट में बहुत ही फेमस, और मयूर भाई ने नया बुलेट लिया है तो हम ड्राइव करेंगे। मयूर भाई कोई दिक्कत नहीं है ना? ना कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ड्राइव करते हैं बुलेट। सब लोग बोलते हैं बुलेट चलाने का मज़ा ही अलग है, तो एकदम नहीं, एक दो बार मैंने चला तो काफ़ी लिया है, लेकिन आज ये कुछ नया ही लग रहा है भाई, क्या है इसके मिरर तो देखो कितने मस्त है। चलो अब चलते हैं दाल पकवान खाने के लिए। मस्त वाला दाल पकवान है मिक्स, यहाँ पे खा रहे हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सुबह नाश्ता किया था, फिर अभी दोपहर के कितने बजे हैं ओके 1:15 हुए हैं, तो अभी खा लेते हैं ये मस्त वाला दाल पकवान, यहाँ पे खा लिया। एंड अब चलेंगे मयूर भाई का दूसरा है गोडाउन, वहाँ पे चलते हैं। मैं भी पहली बार वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं भी नहीं गया हूँ, तो वहाँ पे चलते हैं एंड फिर वहाँ पे क्या है फिर दिखाएँ। फिर हम आज निकलने वाले हैं जामनगर, तो चलता तो भाई रोलेनिल फील तो है भाई, नहीं जलवाता है, बुलेट का जलवाता है, और आवाज़ कल ही हमने इसका भाई सिलेंडर चेंज करवाया है। तो ये है शॉर्ट पंजाब, और ये बहुत ही ज़्यादा लाउड है, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करता है, आवाज़ तो है भाई बुलेट का। लेकिन गोडाउन जाने में ऐसा है धूप बहुत ज्यादा है, एंड दूसरी बात मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है, तो व्लॉग आगे का भी हमें कंटिन्यू रखना है, इसलिए हम मयूर भाई के घर आए, यहाँ पे थोड़ा चार्जिंग करेंगे, और फिर मैंने मयूर भाई को बोला कि आज गोडाउन हम नहीं आ पाएंगे, सॉरी, तो हम सीधा आज निकलेंगे यहाँ से जामनगर। गाइस अब जाके ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी बाहर, और राजकोट में पता नहीं, लेकिन दोपहर से मैं कभी जामनगर में, हमारे गांव में तो देखो गर्मी नहीं होती थी क्योंकि पास में ही समुंदर, इसलिए ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, लेकिन राजकोट में अभी जैसे हम घूमे ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो अभी यहाँ पे आए ना रूम पे, थोड़ा ऊपर फैन वगैरह चालू है ना, तो थोड़ी ठंडी हवाई एंड मज़ा आया। एंड अभी कितने बजने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं, 3 बजे हमारी बस है, 3 बजे हम यहाँ से सीधा जामनगर निकलेंगे, एंड 5:30 बजे हम जामनगर पे पहुँचेंगे। ओके गाइस, तो दोपहर के 3 बज चुके हैं, एंड अभी यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, मतलब 3 बजे यहाँ पे ऑलमोस्ट बस एंड जो गाड़ियाँ होती है वो चालू ही होती है यहाँ से जामनगर, लेकिन मैंने सोचा जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अभी मयूर भाई ने चाय पी ली हमने, एंड ये नज़ारा देखो गाइस क्या ही मस्त, इतनी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर बन चुकी है ना कि क्या ही बताऊँ, और राजकोट बहुत बहुत ज़्यादा अभी चारों तरफ बिल्डिंग्स बननी है, मतलब इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है ना राजकोट कि सोचो मत, तुम अभी आए और आज से 15-20 दिन नहीं तो 1 महीने के बाद तुम आओगे ना, तो फिर से थोड़ा चेंजेस राजकोट में देखने को मिलेगा। एंड मैं जब पिछली बार आया था तब ये बिल्डिंग्स नहीं थी, तो ये बिल्डिंग्स भी बन चुकी है अभी, और फाइनली निकलते हैं यहाँ से, सीधा जाएँगे माथापर चौकड़ी, एंड वहाँ से हम बस में बैठ के सीधा गो टू जामनगर।
चल। ओके गाइस, अभी रामापीर चौकड़ी है, यहाँ से BRTS हम पकड़ते हैं, BRTS बस आ रही है, क्योंकि ये रास्तों में देखो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होती, तो BRTS से निकलते हैं, सीधा चलते हैं यहाँ से माधापुर, फिर वहाँ से सीधा जामनगर। चलो भाई, मैं तो कहता हूँ राजकोट में अगर घूमना है ना तो BRTS से चलो, बिल्कुल भी ट्रैफिक बीच में नहीं आता और एकदम फटाक से पहुँच जाते हैं। अभी माधापुर चौकड़ी पहुँचे हैं एंड यहाँ से हम बस ढूंढेंगे भाई जामनगर के लिए, तो एक बार बस मिल जाए तो सीधा यहाँ से निकलते हैं। अभी तक भाई मौसम साफ था, एकदम मौसम ऐसा मस्त था ना, साफ धूप था, लेकिन अभी बारिश, भाई बारिश गरज रही है बहुत, अब देखते हैं आएगी या नहीं। बस आ रही है 5 से 10 मिनट में, फिर बस पे चलते हैं, सीधा जामनगर निकलते हैं। एंड लुक सो, ओके गाइस, फाइनली बैठ चुके हैं बस में और बाहर बाहर का हेवन दिखाऊँ आप सभी लोगों को, भाई बारिश हो रही है भाई, ऐसे हो रहा है भाई, अंदर आ रही है। अभी 7 रास्ता पहुंचे हैं जामनगर, ऑलमोस्ट पहुंचने में 2 घंटे लगे, मतलब हम 4 बजे वहां से निकले थे, अभी 6 बजने वाले हैं और सामने बहुत सारी पुलिस, तो भैया है ना वो उसी तरफ रुक चुके हैं, चलते हैं उसके पास। तो भैया अभी आ चुके हैं यहाँ पे लेने के लिए, मुझे लगा R15 लेके आएंगे, लेकिन स्कूटी लेके आए भाई। भैया कल से नहीं मिले यार। और ये इतना बंदोबस्त किसके लिए, मैं आ रहा हूँ इसलिए, पुलिस वाले भाई कितने सारे भाई, 40 से 50 पुलिस वाले सिर्फ 7 रास्ता सर्कल के पास खड़े हुए हैं। चलो 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 भाई। ओके, घर पे पहुंच चुके हैं, ऊपर जाएंगे, थोड़ा नाश्ता लिया है एंड बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो नाश्ता भी करेंगे। दोपहर को दाल पकवान खाया था हमने भाई, लेकिन दाल पकवान तब मुझे भूख नहीं थी क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता किया था ना, इसलिए तो अभी थोड़ा खाएंगे, बहुत ज्यादा भूख लगी है। लिफ्ट जल्दी पहुंचा दे ऊपर, लिफ्ट भेल एकदम से रेडी। ओके, तो हम यहाँ पे भेल खा रहे हैं, मम्मी ने यहाँ पे पपैया खाया है, बहुत बढ़िया, भेल के साथ नींबू सोडा ले ले।